हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाली किचन करिश्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपन बनाते हैं किड्स स्पेशल ओरियो मैगी। ये किड्स को बहुत ही यमी लगती है। ये आप डेजर्ट के रूप में भी खा सकते हैं, डिनर के बाद भी ले सकते हैं, या इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं। किड्स स्पेशल है, किड्स के साथ साथ ये बड़ों की भी फेवरेट होने वाली। तो चलिए आज अपन बनाते हैं किड्स स्पेशल ओरियो मैगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए मेरी किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं किड्स स्पेशल ओरियो मैगी। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। एक बेलन चाहिए मुझे ओरियो फोड़ने के लिए, हर्शील का सिरप चाहिए, एंड मुझे स्प्रिंकल्स चाहिए। मैंने सिल्वर बॉल्स लिए हैं एंड चॉकलेट स्प्रिंकल्स लिए हैं। आप अगर ये ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओरियो लिया है मैंने एक छोटा पैकेट, एक गिलास मैंने पानी लिया है, पानी के बाद मैंने मैगी ली है। मैगी अपन ये छोटी वाली जो मैगी आती है ये बहुत है, बाकी मैं इसको साइड में कर देती हूँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब अपन एक पैन ले लेते हैं। पैन को मैं ऑन कर लेती हूँ, इंडक्शन ऑन कर लिया है मैंने। इसमें मैं एक गिलास ये पानी डाल देती हूँ। एक गिलास मैंने पानी डाल दिया है, पानी को बॉईल होने दो। जैसे ही पानी बॉईल हो जाता है उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैगी। फ्रेंड्स, ये मैगी बनकर जो तैयार होती है ना, इसका स्वाद एकदम लाजवाब, यमी, क्या बोलें अपन इसको, मतलब फलूदे का भी टेस्ट देती है, डेजर्ट का भी टेस्ट देती है आपको, प्लस आइसक्रीम भी आ रही है इसमें, चॉकलेट भी आ रही है, बहुत ही यमी। और बच्चों की तो, मेरा बेटा तो इतना शौक से खाता है ना, उसको तो डेली दे दो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अपन हैं इसमें जैसे ही बॉयल आ जाएगा उसके बाद अपन इसमें डाल देंगे मैगी। अभी बॉईल आया नहीं है पानी में, पानी में बॉईल आने दो। देखिए फ्रेंड्स, पानी में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारी मैगी। मैगी को ज़्यादा नहीं क्रश करके डालेंगे हम, थोड़ा सा ही क्रश करके इसको हम डाल देंगे। मैगी हम डाल देते हैं। मैगी को डालने के बाद हम इसको हल्के से चला लेंगे। याद रहे फ्रेंड्स, इसमें हमें मैगी मसाला ऐड नहीं करना है। बिना मैगी मसाले के बनेगी ये, स्वीट स्वीट बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैगी जब तक पकानी है हमको, जब तक ये थोड़ी ड्राई ना हो जाए, पानी पूरा एब्जॉर्ब ना कर ले। तो चलिए अब अपन बिस्किट ले लेते हैं ओरियो। इसको अपन बेलन से थोड़ा सा इसको मार लिया जाए, थोड़ा सा फनी काम कर लेते हैं अपन, थोड़ी सी पिटाई कर ली जाए इस बिस्किट की। देखिए फ्रेंड्स, ये बिस्किट को मैंने अच्छे से फोड़ लिया है, जितना भी मेरे से फूटा, वरना अपन इसमें डाल के इसको, अब इस पैकेट को मैं फोड़ रही हूँ। अब इस पैकेट को मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए अभी अपन इसमें डाल दूँगी। अब ये मैं इसके साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। आहा, क्या खुशबू आ रही है ओरियो की, तो एकदम जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसको अच्छे से इसमें बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी। जो भी अपने बिस्किट बेलन से नहीं पिटे थे वो अब यहाँ पर फ्रेंड्स मेल्ट हो जाएंगे।
थोड़ा सा क्या है ना, खाना बनाते बनाते थोड़ा बहुत मजाक तो होना चाहिए, जिससे भी खाना भी बहुत यमी बनता है। अगर आप खुश होंगे तो नॉर्मल बात है, खाना में बहुत सारा प्यार डालेंगे तो खाना वैसे ही एकदम अच्छा बनेगा। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेसिपी देखते रहिए और बनाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, एकदम एब्जॉर्ब हो गए हैं, एकदम मिक्स हो गए हैं, मस्त लजीज डेजर्ट की तरह। ये ओरियो भी और छोटे छोटे टुकड़े ओरियो के कंच होंगे, दिखे रहे हैं ऊपर। अब ये हो गई है, इसके बाद थोड़ी सी देर बाद इसको हम और ड्राई कर लेते हैं, बिस्किट और अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी हो गई है। इसको हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा अपन ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिए, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, फिर आती है इसकी डेकोरेशन की पार्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये नॉर्मल हो गई है, उसके बाद अपन इसको कर लेते हैं। अब थोड़ा सा गार्निश का टाइम आ गया, इस पर अपन डाल देते हैं चॉकलेट सिरप, उसके बाद अपन इस पर लगा देते हैं आइसक्रीम। यमी, मेरे पास वनीला फ्लेवर है, आप कोई सा भी फ्लेवर की आइसक्रीम लगा सकते हैं। मैं वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम लगा रही हूँ, इस पर मैंने डाल दी है आइसक्रीम। आइसक्रीम के बाद मैं इस पर और डाल रही हूँ चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप के बाद मैं इस पर लगा रही हूँ कुछ स्प्रिंकल्स। लग रही है ना मज़ेदार, शानदार स्प्रिंकल्स लगाए। ये सिल्वर बॉल्स लगाई है मैंने, अब मैं लगा रही हूँ इस पर चॉकलेट स्प्रिंकल्स। अब मैं लगा रही हूँ इस पर चॉकलेट स्प्रिंकल्स। और मैं लगा रही हूँ, ये आते हैं ना डेरी मिल्क के शॉट्स, ये लगा रही हूँ मैं इस पर। डेरी मिल्क के शॉट्स लगा रही हूँ मैं इस पर, और मैं इस पर थोड़ा सा और डाल रही हूँ चॉकलेट का सिरप। तो फ्रेंड्स, ये हमारी यमी, एकदम डेजर्ट बोल दो इसको, किड्स स्पेशल ओरियो मैगी बोल दो, ये बनकर तैयार है। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं तो चलिए इसको खाने, एकदम यमी, मुँह से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी, और मुझे इसकी साथ मैं मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, जिसको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, एंड मेरे चैनल पे जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, ऐसे ही कुछ स्पेशल। बाय बाय, टेक केयर, मैं तो चलूँ, बाय, लेट्स गो।